रुद्रप्रयाग हादसे को लेकर लीड एजेंसी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है और बताया है कि इस रिपोर्ट को उसने मुख्यालय को सौंप दिया है। दरअसल 15 जून को रुद्रप्रयाग के रतौली के पास हुई वाहन हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 26 लोग सवार थे। इस रिपोर्ट में बताया गया कि ऋषिकेश श्रीनगर रुद्रप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर अगर रतौली के पास राजमार्ग पर क्रैश बैरियर लगा होता तो शायद हादसे के दौरान वाहन में सवार 15 यात्रियों की जान बचाई जा सकती थी। दुर्घटना स्थल मार्ग का वो छोटा सा हिस्सा था जहां क्रैश बैरियर की जगह पर सीमेंट की पैराफीट लगी थी, जो तेज रफ्तार वाहन को नहीं रोक पाई। दरअसल सीएम के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा जांच के लिए भेजी गई लीड एजेंसी की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र मिला है। ये रिपोर्ट मंगलवार को मुख्यालय को सौंप दी गई है और इस रिपोर्ट में कहा गया कि हादसे के एक दिन पहले वाहन रात 11 बजे दिल्ली से चला था। हादसे की जगह पर 400 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद वो 12 घंटे बाद यानी कि अगली सुबह तकरीबन 11:30 बजे वो वहां पर पहुंचा। इस दौरान वाहन चालक ने कई जगहों पर कुल 3 घंटे का आराम भी लिया, इससे उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाई। वाहन चालक ने हादसे के बाद हिल एंडोर्समेंट के लिए आवेदन किया था, जिसका मतलब ये है कि उससे पहले इसकी जानकारी नहीं थी, यानी कि उसे पर्वतीय मार्गों पर वाहन चलाने का कोई अनुभव नहीं था, यानी कि वो पहली बार पहाड़ों पर वाहन चला रहा था। जहां वाहन गिरा उससे पहले और उसके आगे क्रैश बैरियर लगे हैं, केवल उस जगह पर 5 फेराफिट लगे थे। कहा जा रहा है कि इससे पहले भी यहां पर हादसे हुए और इनमें भी 3 वाहन ने तोड़ डाले थे। साफ है कि वाहन तेज गति से चल रहा था। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि अगर यहां एक दूसरे से जुड़े क्रैश बैरियर लगे होते तो वाहन नीचे गिरने से बच सकता था और हादसे में हताहत की संख्या कम होती। रिपोर्ट में चेक पोस्ट पर भी वाहन की चेकिंग न होने की बात कही गई है, जिसमें कहा गया है कि चेक पोस्ट में जांचे गए वाहनों में इस वाहन का नंबर अंकित नहीं था। इसके साथ ही रिपोर्ट में पर्वतीय मार्ग पर बने सभी धार्मिक स्थलों के लिए ग्रीन कार्ड जारी करने की व्यवस्था लागू करने पर विचार करने का सुझाव भी दिया गया। बता दें कि 15 जून को रुद्रप्रयाग के रतौली के पास हुई हादसे में 15 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें 26 लोग सवार थे। अब रुद्रप्रयाग हादसे से जुड़ी रिपोर्ट सामने आने के बाद उम्मीद यही है कि पहाड़ों में बढ़ते लगातार हादसों की संख्या कम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजमार्ग।